एआईएमआईएम ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से अब तक अखिलेश के नहीं मिलने जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सपा को मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी की गोद में बैठकर खेलने का काम कर रही है। कोई सदस्य या समाजवादी पार्टी का कोई कद्दावर नेता या समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव अब तक जेल में क्यों नहीं गए, उसके पीछे बहुत ठोस कारण है। समाजवादी पार्टी को अब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके वोट बैंक की कोई उसे चिंता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके खेलने का काम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में फूट साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कई दिनों तक खींचतान के बाद में अब समाजवादी पार्टी ने महान दल के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और साथ ही आपको बता दें कि सपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस का लक्ष्य बीजेपी को हराने की जगह कुछ और है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रयास किया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट उनको दे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोगों का है, कांग्रेस का लक्ष्य कुछ और है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में महान दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। रामपुर में आजम खान के करीबी ठेकेदारों के यहां पर आईडी की रेट के दूसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी रही और 12 से ज्यादा ठेकेदारों के यहां पर इनकम टैक्स की टीम ने रेट डाली। पीएससी और यूपी पुलिस की सुरक्षा के बीच में ये छापेमारी चली है। आरोप है कि सपा सरकार में सभी ठेकेदारों ने काम किए थे और रामपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी चल रही है। सपा के कद्दावर नेता आजम खान के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड आज दूसरे दिन भी जारी है। हम इस समय फरहत अली खान के यहाँ हैं, ये रामपुर नगरपालिका के पूर्व सभासद और ठेकेदार हैं जिनके यहाँ इनकम टैक्स की जो रेड है वो दूसरे दिन भी जारी है। रामपुर में करीब 12 ठेकेदारों के जो इनकम टैक्स की रेड है वो जारी है कि आज दूसरे दिन भी उनके यहाँ रेड जो है बिल्कुल जारी है। अधिकारी इनकम टैक्स के अंदर हैं और जो पूछताछ कर रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी है और सुरक्षा विभाग के साथ ही जो है इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जिन लोगों के ठेकेदारों के यहाँ जाँच की जा रही है उनके परिजनों से मोबाइल ले लिए गए, उनसे गहनता से पूछताछ कर जा रही है। किसी को बाहर से उनके परिचितों को किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सुरक्षाकर्मी उनको रोक रहे हैं। फिलहाल दूसरे दिन जो है वो जो कि उनकी जांच जो है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों की वो जारी है। अब इनकम टैक्स के अधिकारियों को जांच में क्या क्या मिला, क्या क्या सबूत मिले, क्या क्या उनसे कुछ लोगों से बरामद हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल दूसरे दिन इनकम टैक्स की रेड आजम खान के करीबियों की जारी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सपा सरकार में ठेके लिए थे और जिन्होंने काम किए थे। विशाल सक्सेना, न्यूज 18 रामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज किदवाई नगर अनुसूचित वर्ग सम्मेलन के मंच पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो कानपुर से ये तस्वीरें देखिए जहां पर अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और साथ ही आपको बता दें थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। और देखिए गौतम बुद्ध की प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट स्वरूप दी जा रही है और साथ ही उनका भव्य स्वागत भी कानपुर में किया गया। तो अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन आज कानपुर में किया जा रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, संबोधन होगा, कुछ बड़ी बातें भी अपने संबोधन के दौरान में कह सकते हैं सीएम, वो सुनना काफी ज्यादा अहम हो जाता है, लेकिन क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे कानपुर में? कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच चुके हैं। कानपुर में जो कार्यक्रम होना है अनुसूचित मोर्चा का, उसके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच चुके हैं। आज का दिन किसी महाउत्सव से कम कानपुर वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। इसमें 153 योजनाएं हैं जिनपे आज हरी झंडी दिखाई जाएगी और जिसको लेकर शहरवासी अतोत्साहित हैं। इसे 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र के
पड़ने वाले 52 विधानसभा और 12 जनपदों के लोग प्रतिनिधि और अनुसूचित मोर्चा और इससे जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर इस जगह पहली बार ऐसा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं और कानपुर में मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम यहाँ के बेनगर इंटर कॉलेज में, इसके बाद यहाँ से कानपुर के जेके टेम्पल जाएंगे जहाँ महिलाओं को सिलाई मशीन देंगे और 1000 बहनों को सिलाई मशीन दी जाएगी। 30 महिलाएं वो रहेंगी जिन्हें अपने हाथ से वो मंच पर बुला के। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है कानपुर वासियों के लिए। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।